सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। काशी में ना, बनारस में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था रैदास। क्या नाम था? रैदास। और रैदास जी को सब जानते हैं। रैदास जी जहाँ से ब्लोम करते थे, चर्मकार जाति से थे रैदास जी। एक बार क्या हुआ, रैदास जी जा रहे थे ऐसे भ्रमण के लिए काशी के अंदर, उन्हें एक शिलाखंड मिल गया। शालग्राम जी शिलाखंड के रूप में उनको मिल गए रैदास जी को। अब उनको अपने घर में ले आए। अब जब उनको अपने घर में ले आए तो उन्हीं की पूजा करने लगे, उन्हीं की सेवा करने लगे। अब तो काशी के विद्वानों के मन में महाराज भ्रम पैदा हो गया। ओहो, ये तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा, ये तो बड़ी निम्न जाति से हैं, चर्मकार हैं, और ऐसे ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो काशी के जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी पंडित लोग थे, सब ने काशी नरेश से जाकर के शिकायत कर दी। बोले महाराज, आपके राज्य में तो अनिष्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो राजा ने बड़ा सुंदर निर्णय लिया। बोले ऐसा है, रैदास जी को बुलाते हैं। रैदास जी के जो ठाकुर जी, उनको भी बुलाते हैं। निर्णय ठाकुर जी करेंगे, हम नहीं करेंगे, काशी नरेश ने कहा। बोले क्या निर्णय? बोले ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करा दिया और सबसे कहा, अब जिसके बुलाने से ठाकुर जी आ जावे, ठाकुर जी की सेवा वही करेंगे। सच्ची घटना। काशी नरेश ने ये बात कही तो महाराज जितने भी विद्वान वहाँ के थे, काशी तो पंडितों की खान है, बनारस में आज भी आप जाएंगे बड़े बड़े विद्वान वहाँ के छोटे छोटे बच्चे संस्कृत बोलते हैं। तो महाराज फिर क्या था, काशी नरेश ने बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उच्च वर्ण के जो लोग थे उन सबको बुलाया और सबसे कहा, भाई तुम सब ठाकुर जी को बुलाओ, अगर तुम्हारे बुलाने से ठाकुर जी आते तो फिर तुम ही पूजा करोगे, रैदास जी पूजा नहीं करेंगे। अब भैया सबने खूब बड़े बड़े मंत्रों को बोला, विद्वान लोगों ने खूब पठित मंत्रों को बोला, खूब वेद के उच्चारण करें, पर महाराज ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। शिलाखंड जहाँ विराजमान था सिंहासन पे, वहीं विराजमान रहा। और फिर रैदास जी से कहा, अच्छा रैदास जी अब आप बुला करके देखिए, देखिए आते हैं या नहीं। तो रैदास जी ने तो बड़े विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, या तो आप आ जाइए, और यदि आप नहीं आ सकते तो मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। बस इतना कहा महाराज, स्वयं श्री ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए और आकर के रैदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। अब तो निर्णय बिल्कुल सामने आ गया, जितने भी वहां के विद्वान लोग थे सब देखते रह गए और ठाकुर जी ने रैदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय काशी नरेश ने अपना महाराज मुकुट उतारा और रैदास जी के मस्तक पर रख दिया। बोले महाराज आप धन्य हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त संत जिन भगवान को नहीं बुला पाते, वही भगवान आपकी एक पुकार से दौड़ करके चले आए। मेरे कहने का अभिप्राय, भगवान पर सबका अधिकार है,